केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। सरकार विश्व व्यापार संगठन को एक हफ्ते में बता सकती है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के महानिदेशक सुरिना राजन ने कहा कि स्वर्ण कारोबारियों के विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल WTO के सदस्य होने के नाते भारत को कोई नया नियम अनिवार्य करने के लिए पहले WTO को बताना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसे अनिवार्य बनाने के लिए हॉलमार्किंग का डिजिटलीकरण बहुत जरूरी है। गोल्ड डिजिटल हॉलमार्किंग के लिए IIT मुंबई से करार हुआ है। BIS से हॉलमार्किंग केंद्रों को जोड़ा जाएगा। देश में 800 हॉलमार्किंग केंद्र है और 40% आभूषणों की हॉलमार्किंग हो पाती है। राजन ने भरोसा दिया कि किसी बड़े अपराध को छोड़कर BIS तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेगी। सोने का आयात 15% बढ़ा। सोने का आयात अप्रैल जुलाई में 15.4% बढ़कर करीब 92,000 करोड़ रुपए हो गया। आयात शुल्क में बढ़ोतरी और ऊंचे दामों के बावजूद यह तेजी देखी गई। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 और 19 की इसी अवधि में करीब 80,000 करोड़ का सोना आयात किया गया था।